हे मित्र, बीत राग दिन शासन की अनुमोदन करो, बीत राग दिन शासन की प्रभावना करो, निज आत्मा की प्रभावना के साथ। ज्ञानी गोदा चला गया कि नहीं चला गया? मित्र, आपके सहयोग का वियोग हुआ है, इसलिए आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अध्यात्म तत्व को परोसने वाला जीव चला गया। पर मित्र, क्यों नहीं ऐसा सोचते हो? रुग्ण शरीर का परित्याग करके क्षति उनकी हुई है जो उनसे कुछ चाहते थे, क्षति उनकी हुई है उनसे कुछ चाहते थे, क्षति नहीं हुई उनकी जो जीवन को मरण को दोनों को ही निस्वभाव से भिन्न मानते थे। बराबर। हे मित्र, अब क्या करें? धर्म प्रभावना बहुत होना थी, धर्म अप्रभावित कभी होता ही नहीं, वो अप्रभावित है ही नहीं। सद्भावना की दृष्टि से भावना रखो, जो आत्मा जहां गई स्वस्थ रहे, बीतराग सत्यार्थ मार्ग का पोषक बने, मिथ्या से दूर रहे, वियोग पर मत बिलखो, संयोग पर मुस मुस्कुराओ, वस्तु स्वभाव को देखो, जो है सो है। धर्म का अनुराग रहे, व्यक्ति का राग ना रहे, अन्यथा क्लेश में चले जाओगे, संक्लेशता में चले जाएंगे। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, हम धर्म राग ही देखते रहते हैं और पहुंच जाते हैं हम राग के पास। इसलिए चाहे कुंद कुंद की समाधि हुई हो, चाहे टोडल मल जी का वियोग हुआ हो, चाहे संजय गोदा का वियोग हुआ, मित्र ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, विपाक बच्चे धर्म ध्यान करो, अपाय बच्चे धर्म ध्यान करो, आज्ञा बच्चे धर्म ध्यान करो, संस्थान बच्चे धर्म ध्यान करो। बोले क्यों? जो था पुनस्ता नहीं है, पुनस्ता है वो भिन्न है, भिन्न में अभिन्नत्व खोजोगे तो रोना ही पड़ेगा। जब आप तत्व उपदेश को समझते हो तो उस तत्व का उपदेश का निर्णय करो। हे ज्ञानी, संयोगों के काल में तत्व को समझना सरल है, वियोग के काल में तत्व को समझना तत्व ज्ञानी का कार्य है। मृत्यु का काल भी आ जाए और सामने हजारों लोग मेरे खड़े हुए हैं, कह रहे कि आपके द्वारा महाप्रभावना होने वाली थी, और ऐसे काल में भी यदि मुख से आवाज निकल रही हो तो जय निशान, जैसे आप विशुद्ध सारी दीक्षा में पीछे बैठे हाथ पकड़ रहे थे, समाधि काल में भी मेरे मित्र सामने पहुंच जाना और कहना, गुरु जी आपने जीवन भर समय सार बोला है, अब समय सार मुंह से बोलने का समय नहीं आया, समय सार जीने का समय आया है। जो है बंगेला, जो है आप अपने लिए इसलिए धन्यवाद दो, वियोग के काल में, विपत्ति काल में हम गुरु के पास पहुंच गए हैं, यहीं पर संतोष मिलता है, यहीं पर संतोष मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा चिंतन करो कि गोधा की आत्मा जहां भी हो, वो सच्चे देव सा गुरु बीतराग मार्ग का पोषण करे, एकांक ने शादबाद का पोषण करे, ऐसा चिंतन करो।